You should write your answer in sequence or good format. Means जो आपका आंसर है वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। कहाँ पे हेडिंग होगी, कहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होगा, कहाँ पर एक्सप्लेनेशंस होगा और कहाँ पर आपका एनालिसिस होगा। यानी कि हम आंसर को तीन भागों में लिखेंगे। सबसे पहले हम उस आंसर का इंट्रोडक्शन देंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, जैसा भी आप देना चाहते हैं। लिखने की अगर मैं आपसे बताऊं तो थोड़ा गैप वर्ड्स में होना चाहिए, ताकि लिखते वक्त आपकी जो लिखावट है वो अच्छी लगे एंड आप काफ़ी स्पेस कवर कर पाएँ। फॉर्मेट इसका इस प्रकार ही होना चाहिए कि तीन जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। यानी कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद आप उसे एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन के अंदर जब आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, यदि आप हेडिंग बना सकते हैं या कोई टाइटल करके कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इज़ द बेस्ट। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट थिंग इज़ कंक्लूजन। कंक्लूजन जब आप लिखते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का जब आप परिणाम लिखते हैं, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं मोटा मोटा तर्क जब आप लिखते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को काफ़ी डीपली पढ़ते हुए और उसके हिसाब से जो आपको लगता है कि कंक्लूजन में बेस्ट है, वही आप उस कंक्लूजन में लिखेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ कि हमेशा आप हेडिंग्स यूज़ करें, चाहे आप किसी भी टॉपिक या किसी भी आंसर को कर रहे हैं, बजाय आप एक बार की मैथ्स को छोड़ के एंड केमिस्ट्री को छोड़ कर के। केमिस्ट्री में थोड़ा सा होता है, मैथ्स में भी थोड़ा हल्का होता है, इसीलिए कह रहा हूँ कि हेडिंग्स आप यूज़ ज़रूर करें। और अगर आप हेडिंग्स को अंडरलाइन कर देते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो हेडिंग है वो हाईलाइट होती है। जो एग्ज़ामिनर होता है वो इन चीज़ों का ध्यान रखता है कि बच्चे ने किया क्या से है, तो आप हेडिंग्स को अंडरलाइन ज़रूर करें। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्ड्स के अंदर आपको गैप ज़रूर रखना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर चीज़ें पढ़ता है और वो पढ़कर ही देखता है। कभी कभी होता है कि कोई कोई एग्ज़ामिनर नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, ज़्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन कोई कोई एग्ज़ामिनर होता है। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, यू मस्ट गैप्स इन योर वर्ड्स। एंड द फोर्थ थिंग इज़ दिस, यू मस्ट राइट हेडिंग्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट अगेन आई टोल्ड यू, राइट हेडिंग्स विद अंडरलाइन। ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में काफ़ी मदद करता है, इसलिए हेडिंग्स को अंडरलाइन ज़रूर करें। अब कुछ बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन देखा और मोटा मोटा क्वेश्चन का समझ गए कि हाँ इसमें यही करना है, मैं कर देता हूँ, अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को कम से कम दो या तीन बार ज़रूर पढ़ें। उससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन में एग्ज़ामिनर पूछ क्या रहा है। तो दो से तीन बार क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें, इससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी। चाहे भले ही आप उसे थोड़ा फास्ट पढ़े, बट लेकिन 2 और 3 टाइम्स मैक्सिमम पढ़ना ज़रूरी है। राइट दूस आंसर फर्स्ट विच यू नो वेरी वेल। उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करें जिन पर आपकी पकड़ अच्छी है, जो आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और जिनके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। उन क्वेश्चन को आप सबसे पहले करें, मतलब प्रायोरिटी उन्हीं को दें।
उससे ये रहता है कि आप जो पढ़ के आते हैं और जब आप बैठते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो जो आपने पढ़ा होता है अच्छे से, उसके लिए आप एक बेटर आंसर लिख सकते हैं। तो जिसे आप जानते हैं, जो आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसे सबसे पहले करें, प्रायोरिटी उसे ही दें। और एक मेरा ये तर्क है, ये मेरे खुद की भी पर्सनल वो है कि डू नॉट स्टडी बिफोर 2 or 3 hours ऑफ द एग्ज़ाम। 2 से 3 घंटे पहले, यानी कि पेपर के 2-3 घंटे के पहले आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि अगर आप पेपर से 2-3 घंटे पहले पढ़ते हैं ना, तो आप अपने दिमाग में खिचड़ी बना लेते हैं। और खिचड़ी कैसी होती है ये आपको पता है ना, उसका कोई मोल है ना कोई तोल है, दिमाग की खिचड़ी ऐसी होती है। इसीलिए 2 या 3 घंटे पहले ना पढ़ें, बजाय 2 या 3 घंटे, उस 2 या 3 घंटे में आप अपने आप को शांत माहौल में रखें और चिल मूड में रहें, जिससे कि आपको टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री आपको फील हो। इट्स ओके। एंड अब जैसे कि मैथ्स है, केमिस्ट्री है, इन दो सब्जेक्ट में क्या होता है कि फॉर्मूलेस एंड इक्वेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। यदि आप उन्हें लिख देते हैं तो कुछ परसेंट नंबर बढ़ जाते हैं आपके, मतलब ये है कि उनके भी मार्क्स आपको मिलते हैं। तो जब आप मैथ्स में या केमिस्ट्री में आप लिखते हैं इक्वेशंस वगैरह, अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन, या मैथ्स में आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कि इसमें इसकी नीड नहीं है लेकिन मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ, आई नो द फॉर्मूला, सो यू शुड राइट। इससे भी आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर इक्वेशंस एंड फॉर्मूलास। बाकी मेरा एक पर्सनल थॉट है कि फील फ्री एंड कूल बिफोर द एग्ज़ाम। चिल मूड में रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, अपने आप को फ्री रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने सर पे बोझ लिए बैठे हैं कि यार एग्ज़ाम ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा। अच्छा ही होगा यदि आपने पढ़ा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, एंड आपने फोकस अगर एग्ज़ाम पे दिया है तो अच्छा ही होगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अब आपको अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है, तो बोर्ड के मार्क्स आपके लगभग लगभग एक अनिवार्य रूप नहीं रखते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है। तो बोर्ड जो आप ये एग्ज़ाम देने के बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। तो वहाँ पे आपके ये एग्ज़ाम के नंबर कुछ खास मायने नहीं रखते हैं, बट फिर भी आपको 50+ स्कोर रखना इन एवरी सब्जेक्ट। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, बट उनमें भी यही चाहिए होता है कि 50% इन एवरी सब्जेक्ट। इससे ज़्यादा की कोई डिमांड उसमें नहीं होती है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो थैंक यू सो मच। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आप ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो ये उस बच्चे तक पहुँचेगा जो शायद इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा फील फ्री करेगा अपने आप को।